दोस्तों, ये एक सैमसंग का मोबाइल है और एक ये सैमसंग का महंगा फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन है। आप इसका नाम देख भी सकते हैं, S10 Plus। चलिए मैं आज आपको बताऊंगा इसकी अनबॉक्सिंग करके कि अगर आप सैमसंग का कोई महंगा फ़ोन लेने का प्लान बना रहे हैं या आपके मन में है तो आप जान सकें कि वो कितना अच्छा होता है और इसके अंदर क्या क्या हमको अच्छी चीज़ें मिलती हैं जो कि एक नॉर्मल फ़ोन से अलग होनी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसे ही आप किसी भी डिवाइस का बॉक्स खोलेंगे जो वो महंगा हो, तो सबसे पहले आपको जैसा मिलता है, रीड है, चार्जर है, ईयरफोन है, ये सब एक्सेसरीज हर मोबाइल में आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर इनकी क्वालिटी और इनकी लुकिंग देखी जाए तो ये जो नॉर्मल फ़ोन्स होते हैं, जो सस्ते वाले, उनसे काफ़ी डिफरेंट अलग होता है इनकी क्वालिटी में और इनकी लुकिंग में। अब जैसे ये ईयरफोन आप देख लीजिए, ये ईयरफोन एक ही जी ब्रांडिंग के हैं। अगर आप सैमसंग का कोई सस्ता फ़ोन लोगे तो आपको उसमें ये ईयरफोन नहीं मिलने वाले। इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही गजब की होती है और इनकी जो लुकिंग है और जो इसकी जो फिनिश है वो भी बहुत गजब की है। अब इस चार्जर को आप देख लीजिए, ये एक फास्ट चार्जर है जो कि सभी फ़ोनों में मिल रहा है, लेकिन इतना सॉलिड और इतनी गजब की फीलिंग और सुंदर चार्जर है कि अगर आप इसको ज़रा सी ऊंचाई से आप गिरा भी दें, थोड़ी बहुत ऊंचाई से, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये OTG अडेप्टर है, अगर आप नया फ़ोन लेंगे तो अपना जो डेटा है आप इसकी मदद से आप अपने पुराने जो फ़ोन है उसका डेटा नए फ़ोन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी आखिर में ये है एयर टिप्स, और ये आप इनको अपने एयरफोन में चेंज कर सकते हो, अपने कानों के हिसाब से एडजस्टिंग कर सकते हो, क्योंकि कान बड़े या छोटे हो सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे एक बॉक्स भी है, मैं इसे खोल के आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी कुछ इसकी एक्सेसरीज़ हमको मिलेंगी। तो यहाँ पे दोस्तों, जैसे ही इस बॉक्स को हम निकालते हैं तो यहाँ पे एक सेक्शन है, इसमें अंदर मेरे हिसाब से एक बैक कवर होना चाहिए और सिम इजेक्टर जो टूल है वो आपको क्लियर दिख ही रहा है। तो चलिए, बैक कवर को भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक महंगे फ़ोन में कैसा बैक कवर होता है कंपेरिजन एक नॉर्मल फ़ोन में जिसकी कीमत 10 से 12 या 15 हज़ार या 20 हज़ार के बीच होती है। आखिर आप देखिए और कितना डिफरेंट होता है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो क्विक स्टार्ट गाइड है जो सारे फ़ोनों में मिलती है, वारंटी पेपर वगैरह इनके रहते हैं सारे फ़ोनों के, जो भी जिस भी कंपनी का फ़ोन होता है सभी अपने डाल करके देती है बॉक्स के अंदर। तो इसको साइड में रख देते हैं, सीधा पकड़ते हैं इसके बैक कवर को। बैक कवर की जो क्वालिटी है दोस्तों, वो एक हार्ड केस है, ये हार्ड बैक कवर है, ऐसा सिलिकॉन का नहीं है, नॉर्मल, जिसे आप आसानी से पिचका सकें या इधर उधर मुट्ठी में अपनी में बंद कर सकते हैं। तो ये एक हार्ड कवर है और क्वालिटी अच्छी है, आपके मोबाइल को काफ़ी हद तक बचा सकता है। तो मोबाइल को सीधा पकड़ते हैं, ऑन हो चुका है मोबाइल। और इसका जो, मैं आपको डिस्प्ले के बारे में सबसे पहले बताता हूँ, इसकी जो डिस्प्ले है सैमसंग की, मुझे सबसे अच्छी लगती है, एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। इसकी जो क्वालिटी है वो इतनी गजब की, इतनी गजब की है कि मैं आपको बता नहीं सकता, आप जब लोगे तो आपको खुद ही फीलिंग आ जाएगी। बैक साइड में इसके जो ग्लास बैक दिया हुआ है, कोई भी प्लास्टिक नहीं है। नीचे की साइड में टाइप सी है, हेडफोन जैक है और स्पीकर ग्रिल है। आई थिंक इसमें एक दूसरा स्पीकर भी है जो कि सामने है, ये डुअल स्पीकर सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस के साथ। ऊपर की तरफ एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है आपको, इसमें आप या तो दो सिम कार्ड चला सकते हैं या फिर एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड, और एक यहाँ पे सेकेंडरी माइक्रोफोन भी है आपकी नॉइस कैंसिलेशन के लिए। तो जो इसका ओवरऑल फ्रेम है वो स्टील का है, अगर आप इस मोबाइल को बैंड करने की कोशिश करें तो ये बैंड नहीं हो सकता, जो कि इसकी मजबूताई को बनाए रखता है। और नॉर्मल फ़ोनों में स्टील का जो फ्रेम है वो अधिकतर देखने को नहीं मिलता, ये एक यहाँ पे एडवांटेज है। यहाँ पे जो डिस्प्ले का, इसका जो साइज़ है वो 6.4 इंचेस का है, और ये सुपर एमोलेड क्वाड HD+ रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है, और ये HDR10+ भी सर्टिफाइड है, यानी कि जो आपका वीडियो एक्सपीरियंस है मूवी देखने का, या कोई भी आप यूट्यूब चलाते हो तो जो वीडियो आप देखोगे इसमें वो आपको अलग ही देखने को मिलेगी, और इसका जो कलर है और जो इसका कॉन्ट्रास्ट है वो अलग ही तरीके का आपको मिलेगा। या फिर इसके कैमरे से भी आप अगर HDR में वीडियो बनाओगे तो वो इतनी सॉलिड बनेंगी कि आपको एक नॉर्मल फ़ोन की जो वीडियो रिकॉर्डिंग होती है उसमें और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। हालांकि इसका जो कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का है, और आपको 10 हज़ार की रेंज में 64 मेगापिक्सल, 48 मेगापिक्सल के कैमरे आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसके कंपेरिजन में वो ज़मीन आसमान का फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ओनली ये 12 मेगापिक्सल का है, लेकिन इसका जो लेंस की जो कस्टमाइजेशन है वो बहुत ही गजब की होती है सैमसंग की। आप देख सकते हैं, मैंने एक फ़ोटो क्लिक किया है और इसमें जो क्वालिटी है वो बहुत ही गजब की आ रही है।
तो इसमें अगर सामने जो कैमरा है, वैसे S10 Plus में तो ये दो कैमरे दिए हैं, लेकिन जो आने वाली जो एस सीरीज है उसमें सिर्फ एक ही कैमरा आपको मिलेगा। इसमें एक अल्ट्रा वाइड कैमरा था और 10 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा था फ्रंट में। और यहाँ पे इसमें IP रेटिंग भी है कि आपके थोड़ा बहुत पानी का बचाव भी कर सकता है, और जो आपकी धूल मिट्टी वो भी इसके अंदर नहीं जा सकती, जो कि एक नॉर्मल फ़ोन में नहीं होती, जो कम कीमत का होता है। तो ये ऐसे कुछ एडवांटेज है इसमें इसकी। और सबसे जो गजब की जो इसमें चीज़ है वो इसकी कर्व डिस्प्ले। सैमसंग के जो महंगे फ़ोन हैं उसमें कर्व डिस्प्ले होती, उसकी जो लुकिंग होती है, जो हाथ में पकड़ने की फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। अगर आप कर्व डिस्प्ले से नॉर्मल फ़ोन में स्विच करोगे कभी भी, तो आपको उतना मज़ा नहीं आएगा जो कर्व डिस्प्ले में आता है, क्योंकि ये बहुत ही देखने में अट्रैक्टिव लगती है, और इसके जो लुकिंग है, जो वीडियो देखने का या फिर मोबाइल चलाने का, वो गजब का होता है। तो दोस्तों ये एक वीडियो थी और मैंने आपको सैमसंग के इस मोबाइल के बारे में बताया। आई थिंक दोस्तों इस मोबाइल वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप एक महंगा फ़ोन लेने की सोच रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जो सस्ते फ़ोन्स होते हैं वो बेकार होते हैं, लेकिन उनसे काफ़ी अलग इनमें बहुत कुछ होता है। जैसे इसका जो प्रोसेसर है वो 7 नैनोमीटर पर है, यानी कि जो इसकी ताकत है, अगर आप हैवी से हैवी गेम चलाओ तो इस बहुत ही स्मूथ, बिल्कुल मक्खन की तरह चलेगा और फ़ोन ज़्यादा हीट नहीं करेगा, और काफ़ी लंबे समय तक आपका साथ निभाएगा। इनफैक्ट आप कोई भी बड़ी से बड़ी एप्लीकेशन इसमें खोल सकते हो, चाहे वो नेट बैंकिंग हो या फिर पबजी जैसे गेम हो या कोई भी एनीबडी। तो दोस्तों बहुत सारे एडवांटेज होते हैं फ्लैगशिप फ़ोन के, लेकिन इनकी जो कीमत होती है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी।